अचानक जो हुआ है, कल तो हम थे, अपना समय दे दिया था बहुत लोगों को अपने पार्टी ऑफिस में, तो हम वहाँ बैठ के लोगों से मिल रहे थे, वहीं पर मालूम हुआ, हम जानकारी मिली तो हम बाहर निकल के हुए, तुरंत हम पूछे, तो इन लोगों को जैसे ही मालूम हुआ है इमीडिएटली इन लोगों ने एक्शन लिया, तुरंत उसको कैंसिल किया है। और फिर ये देख रहे हैं कि जब हर जिले को जो भेजा जाता है तो कहाँ से लीक हुआ, किस तरह से लीक हुआ, कोई कैसे लीक किया, क्योंकि सबको कागज भेजा जाता है, तो कागज भेजा जाता है और 12 बजे से शुरू है, वो पहले से है, तो फिर पहले कोई कैसे लीक कर दिया, अब आ गया था मान लीजिए कि वीडियो में कैसे आ गया, तो इसके बारे में तो इसको देखते हुए ही तत्काल तो कैंसिल कर दिया गया और जाँच हो रही है। और जाँच भी हम तो जैसे ही आए हैं वैसे ही हम कल शाम में ही हम सब लोगों से बातचीत किए हैं, उन लोगों ने तुरंत एक्शन लिया है और इसको जो पुलिस को हैंडओवर किया है, तो उसके बाद वो भी जांच कर रहा है, बहुत जल्दी जांच कर रहा है। हमने तो यही कहा है कि जितना जल्दी हो सके उतना करिए, क्योंकि इस तरह की बात कैसे हो, जब कहीं भी हर जिले में भेजा जाता है और कहीं किसी जगह से कोई लीक किया है, कैसे लीक किया, ये तो जो परीक्षा देता है उसके हाथ में जाना है, लेकिन जो रखा जाता है हर लोगों के लिए कि जितने लोग हैं उतना, तो अगर कहाँ से किसी ने लीक कर दिया तो ये बात तो देखना पड़ेगा कि किसने कौन गड़बड़ी किया, और इसको पूरा ये जांच करेंगे कि जो भी गड़बड़ी किया उस पर एक्शन होगा, और इसको बचाव के लिए भी और भविष्य में, कि ताकि कोई कुछ इस तरह का नहीं कर सके, क्योंकि गाइडलाइन तो जारी है लेकिन फिर भी कल ऐसा हो गया जो होता नहीं था, तो इसको देख करके लोग अपना कर रहे हैं। साइबर क्रिमिनल्स का हब बनता जा रहा है, जमुई, जहानाबाद, ये सब जो इलाका है जो कि जामतारा के काफ़ी क्लोज है, सो डे बाई डे इट्स बिकमिंग साइबर क्रिमिनल्स के हब। उसके लिए जिस ढंग से मतलब, क्योंकि हमेशा जो हो रहा है सर, कहीं ना कहीं कनेक्शन उनका वहीं से हो जाता है, तो इस चीज़ को चेक किया जाए कैसे इसको, मतलब नहीं नहीं ठीक है, कोई गड़बड़ करेगा तो उस पर, तो यहाँ पर काफ़ी सक्रियता है लोगों की, देखते हैं, कोई बात नहीं। हम लोगों के यहाँ तो खैर एक एक चीज़ को लेकर के अब प्रशासनिक स्तर पर भी कॉन्शसनेस है हर चीज़ के लिए, और यहाँ पर कोई गड़बड़ करना चाहेगा तो किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, बच जाएगा। यहाँ तो सब चीज़ के लिए तो ऑलरेडी गाइडलाइन है, सब कुछ है, और हम लोग के यहाँ तो आप देखते हैं कि किसी भी चीज़ के लिए कार्रवाई तेज़ी से होती है। और आजकल कहीं कहीं क्या होता है तो दुनिया भर का जानते ही है, हर समय कुछ न कुछ होते रहता है, लेकिन बिहार में तो फिर भी बहुत हद तक एक शांति का माहौल रखा गया है, कोशिश किया गया, लेकिन कहीं भी कुछ हो रहा है तो अगर कोई क्राइम होता है तो उसके ऊपर तेज़ी से एक्शन की भी बात होती है, इसलिए यहाँ पर तो बिहार की स्थिति तो अभी कोई उस तरह से चिंताजनक नहीं है, लेकिन जो कुछ भी होता है उस पर एक्शन होता है। प्रधान जी, आकर आपसे